नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। दिवाली स्पेशल क्विक हैक्स के लिए हो जाइए रेडी, क्योंकि अब दिवाली को टाइम ही कहाँ रह गया है, तो कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा ना अपने घर को सजाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप एंजॉय करिए कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और डूएबल हैं। मैंने सोचा कुछ टेराकोटा से डेकोर किया जाए इस बार दिवाली में। तो दिवाली में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, दिए मिल जाते हैं और अलग अलग डिज़ाइन के मिलते हैं। तो कोशिश करिए आप बाहर जाइए और वहाँ से सामान लेकर आइए, ताकि आप लोकल वेंडर्स की भी हेल्प कर सकें, उनकी भी दिवाली अच्छे से बने और आप भी कुछ क्रिएटिव अपने घर में ऐड कर सकें। तो मैंने यहाँ पर सारे टेराकोटा पीसेज लिए, जैसे कि कुल्हड़, मटका और छोटी सी प्लेट या दिया कह सकते हैं, उसे मैंने टेराकोटा पेंट से पेंट किया है, क्योंकि जो टेराकोटा फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। और उसके बाद हम कुछ कुंदन और मिरर्स वगैरह स्टिक करेंगे और बहुत ही प्यारा सा एक सेट तैयार होगा, जिसे हम कैंडल होल्डर और प्लांटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दिवाली में हम सभी लोग एथनिक वेयर पहनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पहनते हैं जो ट्रेडिशनल लुक दे, तो घर को भी आप ट्रेडिशनल लुक दे सकते हैं DIY करके। जैसे मैंने इस मटके पर ये लेस स्टिक की है, हम कुछ मिरर्स भी ऐड करेंगे। मैंने ना इन मिट्टी के बर्तनों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब मैं इनका फील और टच टेराकोटा वाला ही रखना चाहती हूँ। तो मैंने इसमें ऑलरेडी टेराकोटा पेंट करने के बाद वाइट और ब्राउन का ही शेड रखा है। अगर आपको कलर्स ऐड करना अच्छा लगता है तो आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आइडिया कैसा है जरूर बताइएगा। और देखिए ना, कैंडल्स की झिलमिलाती लाइट मिरर से कितनी बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रही है और ये तीनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दिस हैक इज़ जस्ट सो अमेजिंग ऑल माई लवली पीपल। आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन सबके घर में होते हैं, आपको इसके लिए प्लेन क्वेश्चन चाहिए। और मैंने कुछ आसन लिए हैं जो हम पूजा स्थल में बिछाते हैं, वो आसन को इन क्वेश्चन के ऊपर आपको ऐड करना है। आप अगर परमानेंट चाहते हैं तो इन्हें स्टिक कर सकते हैं, स्टिच भी कर सकते हैं, और नहीं तो वो जो टेप आता है फैब्रिक वाला, उससे भी इसे स्टिच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन्स का यूज़ किया है, क्योंकि इसे मैं टेम्प्रेरी बनाना चाहती हूँ। अगर आपके पास आसन नहीं है, कोई फैब्रिक पैच हो या पुराने ऐसे कोई कपड़े हों जिनमें एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह हो, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास नए कुशन्स रेडी होंगे, जिन्हें आप अपने सोफे नहीं तो बेड पे स्टाइल कर सकते हैं। हाई एंड एक्सपेंसिव दिखने वाले कैंडल होल्डर्स नहीं है, कोई बात नहीं। आपको चाहिए कुछ ग्लास या ग्लास बोल्स जो थोड़े डिफरेंट शेप में हो, और उन्हें आप स्टाइल कर सकते हैं कैंडल होल्डर की तरह। ऑल्सो गाइज, मैं शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा टेबल। अगर आप कोई फर्नीचर देख रहे हैं या छोटा डेकोर पीस ऐसा देख रहे हैं जो आपके घर में एक एक्सेंट ऐड करे, तो आप इस तरीके की टेबल में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो आप कॉफ़ी टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और साइड टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लग्जरी लुक देता है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। नाउ अब हम बनाते हैं एक्सपेंसिव दिखने वाले कैंडल होल्डर। तो ये मैंने ग्लासेस के ऊपर ना अपने हैवी बैंगल्स ऐड कर दिए, और इसके अंदर हम रखेंगे टी लाइट कैंडल्स। आप बैटरी ऑपरेटेड नहीं तो रियल टी लाइट कैंडल्स भी ऐड कर सकते हैं, और ऐसे आप क्रिएटिवली नए कैंडल होल्डर्स घर में ऐड कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। गाइज, दिस इज़ नॉट अ हैक, दिस इज़ एक्चुअली समथिंग रियली कूल एंड इंटरेस्टिंग आइडिया जो मैंने भी ट्राई किया, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू गाइज, ताकि आप भी अपनी वॉल को डेकोरेट कर सके। ये है झरोका बॉक्सेस जो इस तरीके से असेंबल हो जाते हैं, मतलब जैसे हम मिठाई के बॉक्सेस को फोल्ड और अनफोल्ड कर लेते हैं ना, बस वैसे ही इन्हें करना है। और ये बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइन में अवेलेबल है, सेट ऑफ 12 और सेट ऑफ 6 में भी अवेलेबल है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये बहुत क्यूट छोटे छोटे से झरोके तैयार हैं, जो कि कार्डबोर्ड से बने हैं, पतले कार्डबोर्ड से, इतने लाइट वेट हैं कि आप इन्हें ईजिली मास्किंग टेप से वॉल पे स्टिक कर सकते हैं, और जब दिवाली खत्म हो जाए तो उसके बाद निकाल के वापस रख सकते हैं। और इसके अंदर आपको प्लेस करनी होगी टी लाइट कैंडल, पर रियल नहीं, वरना ये जल जाएंगे। अरे भाई टेंशन मत लो, अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है, इनके साथ आती है ये बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल्स, जिन्हें इनके अंदर प्लेस करना है, और उसके बाद आपके पास नया सा वॉल डेकोर तैयार होगा। चलो जल्दी से एक और आइडिया शेयर कर देती हूँ। अगर आप अपने मंदिर को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उसके पीछे वाली वॉल पे ये झरोका लगा दीजिए, और नीचे आप कुछ ऐसे आसन बना सकते हैं जो कि एकदम नए हैं, जैसे कि मैंने वो कैंडल होल्डर्स लिए हैं। और इसके साथ आप रियल फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रंगोली बनाने के लिए, मैंने ये आर्टिफिशियल हैंगिंग का यूज़ किया है, और उसके बाद आप लक्ष्मी और गणेश प्लेस कर सकते हैं, और ऐसे आपके पास एक सुंदर सा पूजा स्थल तैयार होगा।
दिवाली मतलब गेंदे के फूल, गेंदे की माला, तो इसे हम सजाते हैं बहुत ही यूनिक आइडिया के साथ। यहाँ पे लिए हैं मैंने कुछ पेपर कप्स और इन्हें डेकोरेट कर रहे हैं एक्रेलिक पेंट, कुछ स्टिकर्स और लेस के साथ। आप मिरर्स भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट बनाया है, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, एथनिक स्टाइल वाली लेस भी ऐड करेंगे हम इसमें, इसे एथनिक टच देने के लिए। जब ये बन जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे मैंने चार बना लिए हैं, चार माला लटकाने के लिए, तो माला का बेस में हम इन्हें स्टिक कर देंगे हॉट ग्लू गन की हेल्प से। आप रियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की लटकन बनाने के लिए, और आप इन्हें वॉल पे, नहीं तो डोर पे, नहीं तो कर्टन के साइड में भी ऐड कर सकते हैं। उर्ली डेकोरेशन कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है, सबके घरों में आपको उर्ली देखने मिल जाएगी। कोई ब्रास उर्ली यूज़ करता है, कोई मेटल उर्ली यूज़ करता है, कोई टेराकोटा उर्ली यूज़ करता है, लेकिन इस बार कुछ हटके स्टाइल करिए और यूज़ करिए मार्बल उर्ली जो लोटस शेप में आती हैं, परफेक्ट हैं दिवाली के लिए, जिन्हें आप ना डेकोरेट कर सकते हैं एज कैंडल होल्डर्स की तरह फ्लावर्स वगैरह ऐड करके, नहीं तो आप अपने डाइनिंग एरिया में भी इसे यूज़ कर सकते हैं फूड सर्व करने के लिए, मिठाई सर्व करने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो लिंक ज़रूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मुझे सजेस्ट करिए कि इन उर्ली को मैं और कैसे यूज़ कर सकती हूँ कॉमेंट सेक्शन में। बातों ही बातों में हम वीडियो के एकदम लास्ट में आ गए हैं, और ये जो लास्ट आइडिया नहीं है, हैक नहीं है, ये टिप है। एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक टीवी यूनिट परचेज़ की है लोकल मार्केट से, तो आपने इसका एड्रेस देख ही लिया है, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो गुड़गांव वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा आसानी पड़ेगी। अगर इस दिवाली आप कोई फर्नीचर देख रहे हैं तो लोकल फर्नीचर ज़रूर विजिट करें एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, जहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वेयर हाउस जैसा जो दिख रहा है ना, इस तरीके का शॉप ही है ये। यहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड अच्छी क्वालिटी वाले फर्नीचर मिल जाएंगे जो कि शीशम वुड से बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टीवी यूनिट पसंद करी जिसमें ये केन एक्सेंट भी लगा हुआ है। ये टीवी यूनिट ना ऐसे ही रखी हुई थी, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये पुराना माल है, ख़राब है, बट ऐसा नहीं है, ये खुले में रखा हुआ है, इस वजह से इतना डस्टी और डर्टी लग रहा है आपको, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको क्लीन करके रिपॉलिश करके दिया हमें, जो कि बहुत ही नई डिज़ाइन की टीवी यूनिट है। अगर आप इस तरीके का कुछ ऑनलाइन देखते हैं या कोई बड़े स्टोर से देखते हैं, ये आपको आराम से अबव 15K या 20K में मिलेगी। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में मिल गई है। कैन यू बिलीव, इतनी बढ़िया शीशम वुड की टीवी यूनिट 6,000 में मिली है, जिसे हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा है, जैसे कि इसमें मैग्नेट्स लगाई हैं ताकि इसका जो डोर है वो ईजिली बार बार खुले या बंद ना हो, और इसमें हमने नॉब्स भी अपने पसंद की लगवाई है। और इसको लेकर आए थे हम अपनी गाड़ी में, मतलब ये बहुत घर के पास ही था तो इसको लाना भी ईजी था। तो कुछ आप ऐसी जगह देखिए जहाँ पर आप अपने घर पर ईजिली फर्नीचर ला सकें, वो भी रीजनेबल रेट में। कैसा लगा है ये टीवी यूनिट कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो या सी यू सून विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग दिवाली आइडियाज गाइज, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।